रोटी खा के जिंदगी भर वफा कर जाता है। अभी अल्लाह रसूल तो आगे हैं। एक कुत्ते को देखो, एक वक्त की रोटी खा के जिंदगी भर तुम्हारे घर का पहरा देता है। हमारे घर में एक छोटा सा कुत्ती का बच्चा आ गया, ना मैं होता हूं ना मेरा भाई होता है, मैं सफर में, वो डॉक्टर है लाहौर में, हमारी वालदा जिंदा थी, वो उसको नौकरों के रोटी डलवा देती, वो वहीं बड़ा हो गया। मेरी मां मर गई, घर खाली हो गया, वो उसी घर में भूखा प्यासा मर गया, उसने घर नहीं छोड़ा। उसे तो नहीं पता कि घर की मालकन मर गई है। अब कोई रोटी डालने वाला कोई नहीं, वो तो नौकरों को हुक्म देती थी, वो डाल देते थे। उसे क्या खबर कि वो चली गई है। उसने कहा मैंने इस घर की रोटी खाई, वहीं मरी। वो कुतिया थी सफेद रंग की। मुसलमान एहसान का बदला देता है, एहसान फरामोश नहीं होता है। इस मुल्क ने तुम्हें पासपोर्ट दिया, रिहाइश दी, कारोबार दिया, जॉब्स दिए, चंद टके के लिए तुम झूठ बोल के पैसा बचाओ, कभी टैक्स बचाओ, कभी शराब बेचो, क्यों क्यों क्यों? क्या जन्नत को आग लग गई है? क्या जहन्नम बुझ गई है? क्या रब ने कुरान बदल दिया है? या करबलाओं में सर कटाने वाले बेवकूफ थे और तुम सारे बड़े अकलमंद दाना हो? या पैसा खुदा बन गया है? या धन दौलत ही सब कुछ मजहब है? ये गलत पैसा जब तुम यहां कमाते हो, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, बांग्लादेश में मकानों पे लगता है, सियासत में लगता है, मुकदमों में लगता है, शादियों पे लगता है, लड़ाइयों पे लगता है। गलत चीज आती है, गलत जाती है। हलाल कमाओ, हलाल कमाओ, हलाल कमाओ, झूठ ना बोलो, टैक्स चोरी ना करो। पेपर है मुबारक रहो, पेपर नहीं है धोखा ना दो, वापस चले आओ। रिस्क अल्लाह की जमीन वसी है। मुसलमान धोखेबाज नहीं होता, मुसलमान फ्रॉड नहीं करता है, मुसलमान अखलाक का पैकर होता है। ये इंफिरादी जिंदगी का सबक सुना रहा हूं कि अपनी जिंदगी में सच्चाई पर आओ, नमाजों पर आओ, धोखा छोड़ दो, शराबें बेचना छोड़ दो, रेड़ी लगा लो। कल क्यामत को हौज कोसर का पानी पीना है। वजन करो, वजन करो। एक तरफ तुम्हारा अल्लाह और उसका रसूल है, एक तरफ तुम्हारे चंद जोरो हैं। वजन करो, कौन सा सौदा अच्छा है, कौन सा सौदा बुरा है। पीछे पैसा ना भेजो यहां पे। ये देखो, ये अरबों ने कितनी बड़ी मस्जिद बनाई है तुम्हारी, और कितना बड़ा खूबसूरत स्कूल मैं भी देख कर आया हूं जहां बच्चों को अरबी सिखाई जा रही है। तुम इतना बड़ा मजमा हो, ये मस्जिदें यहां अपनी बनाओ, स्कूल ये बच्चों को अरबी सिखा रहे, तुम उर्दू सिखाओ, उन्हें अपनी जुबानें सिखाओ, उन्हें अपनी तहजीब सिखाओ। अपनी नस्लों पे जुल्म ना करो, ये वापस नहीं जाएंगे, ये यहीं रहेंगे। यहां माल खर्च करो, यहां कमाया है यहां खर्च करो। स्कूल बनाओ, मस्जिदें बनाओ, मदरसे बनाओ। अपनी लैंग्वेज की हिफाजत करो, अपनी तहजीब। जुबान याद रहे तो तहजीब भी याद रहती है, जुबान भूल जाओगे तहजीब भी भूल जाओगे। और इज्तमाई उम्मत बनो, उम्मत बनो, उम्मत बनो, उम्मत बनो। फिरके ना बनो, उम्मत बनो। फिरके ना बनो, उम्मत बनो। फिरके ना बनो, उम्मत बनो। अगर इस आग को तुमने ना बुझाया तो पहले जाके पाकिस्तान का चक्कर लगा के आओ, जहां मजहब के नाम पर वो जुल्म और सितम हो रहा है कि जुल्म का लफ्ज भी छोटा पड़ गया है। एक कलमा गो दूसरे को काफिर कहे जा रहा है, वो उसको काफिर कहे जा रहा है, तो जन्नत जावना कहे? जन्नत तो खाली है। फिर उम्मत बन के रहो, मेरे नबी ने उम्मत बनाई, अपने खून देकर अपनी औलाद को जबा करवा के 1.25 लाख सहाबा की कुर्बानियां दिलवा कर एक उम्मत बनाई है। मैं तुम्हें अल्लाह रसूल का वास्ता देता हूं, फिरकों में मत बटो, फिरकों में मत बटो, फिरकों में मत बटो। यहां अच्छी मिसाल कायम करो, मुसलमान बन के रहो, मोमिन बन के रहो, मुस्लिम बन के रहो, अपना तारुफ बतौर मुसलमान कराओ। यहां भी अगर वो लड़ाइयां तुमने खड़ी कर दी तो आने वाली नस्लें तुम्हें माफ नहीं करेंगी,
میرا نبی تمہیں معاف نہیں کرے گا کہ میں تو لوگوں کو جنت میں پہنچانے آیا تھا، تم نے میرے کلمہ گو کو کافر کہنا شروع کر دیا۔ کسی کو کافر کہنا اتنا آسان کام ہے؟ کیوں ممبر پہ بٹھاتے ہو ایسے لوگوں کو جو تمہیں فرقوں میں بانٹ کے چلے جاتے ہیں؟ میں بھی آ کے آگ لگا سکتا ہوں، لیکن میں نے اللہ کے رسول کو جواب دینا ہے۔ یہ ممبر محبت کے لیے بنایا گیا ہے، یہ ممبر نفرت کی آگ بھڑکانے کے لیے نہیں بنایا گیا۔ کہ تم یہاں بھی مسجدوں میں پڑھ چکے ہو، فرقوں میں پڑھ چکے ہو، کیوں اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مار رہے ہو؟ کیوں میرے نبی کی محنت کو آگ لگا رہے ہو؟ تمہیں کون آ کے بتائے گا، سمجھائے گا کہ تم وہ گندے جراثیم یہاں بھی لے کر بیٹھے ہوئے ہو اور اسی نفرتوں کی آگ میں جل رہے ہو، جل رہے ہو، جل رہے ہو؟ دیکھو، جاؤ، عبرت کے لیے دوسرے کو دیکھنا چاہیے کہ میرے دیس میں کیا ہو رہا ہے۔ یہ نفرتوں کی آگ نے آج مسجدوں کو کیا بنا دیا ہے؟ معصوموں کا خون دین کے نام پر، بے گناہوں کا خون دین کے نام پر، کس نے یہ آگ لگائی ہے؟ تم سب سے بڑے، یہ شراب بیچنے سے بھی بڑا جرم ہے اگر تم نے یہاں فرقہ واریت کو فروغ دیا، یہ سٹے سود سے بڑا جرم ہے اگر یہاں فرقہ واریت کی آگ لگائی۔ امت بن کے رہو، امت بن کے رہو، امت بن کے رہو۔ جو تمہارا مذہب مسلک ہے اسے سینے سے لگاؤ، پر کسی سے نفرت کیوں کرتے ہو؟ نہ کرو نفرت، پتہ نہیں کون سی ادا میرے اللہ کو پسند ہے اور اللہ جنت کا فیصلہ کر دے۔ تم کسی کے ٹھیکیدار ہو تو کریم مہربان ہے، ایک کوئی عمل پسند آتا ہے اور جنت کا فیصلہ کر دیتا ہے، ساری زندگی کی عبادات کو ایک کوئی عمل ناپسند آتا ہے دھتکار کے پھینک